सबको जानते हैं, पूरा एक्सपीरियंस इनके पास है। और हमारे तमाम डिस्पेंसरीज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तमाम डिस्पेंसरीज में स्टाफ की कमी है। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री साहब से कि वो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें, इनकी सर्विस विदाउट एनी डिले कंटिन्यू किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन इन बच्चों के साथ हर वक्त खड़ी रहेगी और इनको इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम सड़कों पर भी आ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। अगर इस आर्डर को नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन इनके मुद्दे को हर एक तरीके से सड़कों पर हो, सरकार के पास हो, कानूनी तरीके से भी उनके लिए लड़ेगी। और मैं आज फिर दिल्ली जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तमाम चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा जम्मू के मेडिकल कॉलेज के बाहर हमारे NHRM के एम्प्लॉइज, हमारे बहनें और हमारे भाइयों ने, हमारे युवा ने प्रोटेस्ट करने पर उनको मजबूर किया गया, इनकी सर्विस को डिसंगेज कर दिया गया। तमाम मीडिया के चैनल्स ने इनकी आवाज़ को उठाया, आगे तक ले गए। हमने भी आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से इनकी सपोर्ट की और दिल्ली में जाके भी हमने प्रोटेस्ट किया, देश के प्रधानमंत्री साहब तक गुहार लगाई। और देश के प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए एक लेटर इशू कर दिया है जो कल हमें यहाँ पर पार्टी हेडक्वार्टर में पहुँचा। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से, जिस तरीके से इन बच्चों को एक्सटेंशन 3 महीने की मिली है, उस आर्डर को कंटिन्यू किया जाए। 3 महीने की एक्सटेंशन को हम किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करते। हमने उसके लिए देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है और देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को क्लियर लेटर इशू कर दिया है। और हम चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो तुरंत इस संज्ञान को, इस मसले को संज्ञान में लें और इन युवा के साथ नाइंसाफी को ख़त्म किया जाए और इनकी सर्विस को 3 महीने की जगह कंटिन्यू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, और आज फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आज भी मुझे डेपुटेशन ये मिले हैं, आज फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ और कल फिर मैं देश के प्रधानमंत्री के पास इनकी डिमांड्स को लेकर फिर से गुहार लगाऊंगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर डिस्पेंसरी में स्टाफ की बहुत बहुत कमी है। ये ट्रेंड बच्चे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी सर्विस कंटिन्यू की जाए।